आज हम आपको 5 पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो किसी भी काम का पर्पस तो होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। ऑन रोड प्राइस के हिसाब से सर्च कीजिएगा। इन दोनों बाइक को हम पहले एलिमिनेट कर देते हैं। अगर आप हमारे तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो आपको इस पॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप चाहें तो 100 रुपए ले सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं एथ्री और वेलकम टू एथ्री मोटर। आप देख रहे हैं एथ्री मोटर। तो दोस्तों, आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देखकर तो समझ चुके होंगे कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हाउ टू चूज अ बेस्ट बाइक फॉर योरसेल्फ। जी हाँ दोस्तों, आज तक आप यूट्यूब पर सर्च करते होंगे कि हमारे बजट के हिसाब से कौन से बेस्ट बाइक है, लेकिन आज की इस वीडियो देखने के बाद उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को सर्च करना बंद कर देंगे और खुद ब खुद आपके लिए एक बेस्ट बाइक सर्च कर पाएंगे आप। कैसे, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, और वीडियो अगर आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, किसी के लिए भी आसानी से आप बेस्ट बाइक सर्च कर पाएंगे कि उसके लिए बेस्ट बाइक कौन सा है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते और एक एक करके सारे पॉइंट जानते हैं। आज हम आपको 5 पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप एक बाइक लेना चाहते हैं तो ये कोई पॉइंट नहीं है। अगर आप एक बाइक लेना चाहते हैं तो सबसे पहले ये बात कन्फर्म है कि आप अपने पर्पज सेट कर चुके होंगे। जी हाँ दोस्तों, किसी भी काम का पर्पज तो होता है। चाहे कि आप अगर बाइक लेना चाहते हैं कॉलेज जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, कुछ काम वगैरह के लिए, डिलीवरी वगैरह के लिए, कुछ भी काम करने के लिए, कुछ भी पर्पस की वजह से आप एक बाइक लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने पर्पस सेट कर चुके होंगे आप, उम्मीद करता हूँ। चलिए अब हम हमारे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगर सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो वह है बजट। कहीं से लोग क्या करते हैं, इंजन डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से, यानी कि 150 cc, 160 cc, 200 cc, ऐसे cc के हिसाब से बाइक कैटेगरी करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। आप हमेशा बजट के हिसाब से अपने बाइक को देखिए। देखिए, अगर हम एग्जांपल ले गए तो लगभग 1.5-2 लाख के अंदर आपको 160 cc की बाइक भी मिल जाएगी और 350 cc की बाइक भी मिल जाएगी। इसीलिए बजट के हिसाब से बाइक को सर्च कीजिएगा। और एक और बात, हमेशा जब भी बजट के हिसाब से बाइक को सर्च कीजिएगा, ऑन रोड प्राइस के हिसाब से सर्च कीजिएगा। मान लीजिए कि आप एक शोरूम प्राइस देखेंगे और शोरूम पर जाके देखेंगे कि बाइक की प्राइस बहुत ज़्यादा है तो दिल टूट जाएगी आपकी। तो हमेशा ऑन रोड प्राइस को ही सर्च कीजिए, आपको गूगल पर मिल जाएगा। इसके अलावा आप शोरूम पर जाकर भी डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बजट के हिसाब से बाइक को सर्च करते हैं। हम आज आपको एग्जांपल देकर भी समझाएंगे। तो चलिए, आज हमारे बजट लगते हैं लगभग 1.5 लाख से लेकर 1.25 लाख रुपए तक। अगर हम इस बजट के अंदर अपने बाइक को ढूंढे तो लगभग हमें 6 बाइक मिलता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें मिलते हैं बजाज पल्सर N160, इसका प्राइस है लगभग 1,60,000 के आसपास। दूसरा है TVS Apache RTR 164B, इसका बेस वाले वेरिएंट का प्राइस है 1,51,000 और टॉप वाले वेरिएंट का प्राइस है लगभग 1,71,000 के आसपास। इसका टोटल लगभग 5-6 वेरिएंट है। तीसरा वाके बाइक है हीरो एक्सपल्स 204B, इसका बेस वेरिएंट है 1,64,000, टॉप वेरिएंट है 1,74,000। इसके अलावा एक और इसका रैली एडिशन भी है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। चौथा बाइक है रॉयल एनफील्ड हंटर 350, इसका रेट्रो वाले वेरिएंट का प्राइस है लगभग 1,76,000 के आसपास, जो कि हमारे बजट है थोड़ा सा आसपास ही है। हमारे पांचवें बाइक है TVS रोन है, जो कि हमारे बजट से थोड़ा सा ऊपर है। इसका बेस वेरिएंट का प्राइस है लगभग 1,80,000 रुपये। नंबर 6 है होंडा CB200X, इसका ऑन रोड प्राइस है 1,74,000 के आसपास। ये सारे ऑन रोड प्राइस हमने कोलकाता के हिसाब से बताया है, आप अपने सीसी के हिसाब से सर्च कर लीजिएगा, लगभग इतना ही प्राइस आपको मिल जाएगा। हमेशा आप जब बाइक बजट के हिसाब से बाइक सर्च कीजिएगा तो अपना बजट लगभग 10 से 5 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये बढ़ा के चलेगा। क्या पता 10-15 हज़ार रुपये लेकर बहुत अच्छा बाइक मिल जा सकता है आपको। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे टाइप के बारे में, मतलब दूसरे पॉइंट के बारे में, जो कि है टाइप ऑफ बाइक। हमारे इंडिया में कई टाइप की बाइक होता है, जो कि आपकी सीटिंग पोजीशन के हिसाब से भाग किया हुआ है। लगभग 12-13 पोजीशन की बाइक मिलती है आपको टाइप की। तो चलिए, हमारे लिस्ट में लगभग 4 या 5 टाइप की बाइक है, आपको बता देते हैं कौन कौन से टाइप की बाइक है। सबसे पहले आता है क्रूजर। इस सब बाइक में कोई कंफर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन हाँ, इन सब बाइक के वेट बहुत ज़्यादा होता है, वेट रेशो हैवी हो जाता है। दूसरा है स्पोर्ट्स बाइक। ऐसा बाइक में को हाई पिकअप मिल जाता है, हाई पावर मिल जाता है, लेकिन हाँ, इन सब बाइक में को कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तीसरा आता है आपका स्टैंडर्ड एंड नेकेड कैटेगरी। ऐसा बाइक आपको लगभग स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर आता है, लेकिन हाँ, ऐसा बाइक आपके कवर नहीं होता है, यानी कि नेकेड होता है। इन सब बाइक में को अच्छा खासा पावर मिल जाते हैं, लेकिन इन सब बाइक का ड्रॉबैक ये होता है कि ऐसा बाइक में आपको विंड ब्लास्ट का सामना करना पड़ता है। और चौथा टाइप है एडवेंचर। ऐसा बाइक में सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन इन सब बाइक का जो मेन पर्पस होता है वो है ऑफ रोडिंग, लॉन्ग टूर या थोड़ा बहुत आपकी फन राइडिंग के लिए बनाया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा दूसरा टाइप। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा बाइक लेना चाहिए। क्या नेकेड स्पोर्ट्स लेना है, स्पोर्ट्स कैटेगरी लेना है, एडवेंचर कैटेगरी लेना है, या कुछ आपकी अलग करना है, यानी कि जो है क्रूजर कैटेगरी। तो चलिए, यहाँ पर हम 2 बाइक को एलिमिनेट कर देते हैं।
देखिए यहाँ पर हमारे लिस्ट में जो दो बाइक है हीरो एक्सपल्स 204B और होंडा सीबी 200X, इस कैटेगरी में इन दोनों बाइक का कोई भी कंपेटिटर बाइक नहीं है। ये जो एक्सपल्स 204B है वो एक बिल्कुल ऑफ रोडिंग फन टू राइड बाइक है और इस बाइक का इस सेगमेंट में कोई भी कंपेटिटर बाइक नहीं है और इस सेगमेंट का सबसे ज़्यादा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक यही है। अगर आप थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग करते हैं, अगर लॉन्ग टूर करते हैं, आप किसी भी बाइक को मत देखिए, ये सब बाइक को लेना चाहिए। अगर आपको लॉन्ग टूर करना है, ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं करना है, आपको थोड़ा सा अप राइड बैठना है, बाकी अगर आपको दूर तक सफ़र करना है, तब आपके लिए है होंडा सीबी 200X और इस बाइक का भी इस सेगमेंट में कोई भी कंपेटिटर बाइक नहीं है। तो इन दोनों बाइक को हम पहले एलिमिनेट कर देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट के बारे में, जो कि है बाइक के इंजन कंपैरिजन। यहाँ पर हम सारे बाइक के इंजन को देखने वाले हैं, जो कि चार बाइक बचते हैं, और देखते हैं कि इन सब बाइक में कौन कौन से बाइक बेस्ट है। अगर बात करें तो नेकेड स्पोर्ट्स कैटेगरी में हमारे दो बाइक है और क्रूजर कैटेगरी में हमारे लिस्ट में दो बाइक है। नेकेड स्पोर्ट्स कैटेगरी में है N160 और RTR 164B। क्रूजर कैटेगरी में है आपके रॉयल एनफील्ड हंटर 350 और आपकी है TVS रॉनिन। तो चलिए अब हम नेकेड स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक के इंजन को कंपेयर करते हैं। अगर इंजन को कंपेयर करें नेकेड कैटेगरी की, तो दोनों ही बाइक में लगभग सेम ही इंजन मिल जाते हैं 164cc की। इसके अलावा अगर पावर आउटपुट की बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं। अगर पावर की बात करें तो बजाज N160 में आपको मिल जाते हैं 16 BHP की पावर, वहीं पर TVS Apache RTR 164B में आपको उससे लगभग 3 BHP ज़्यादा 19 BHP का पावर मिल जाते हैं। वहीं अगर टॉर्क की बात करें तो टॉर्क के मामले में आपके RTR 164B में मिलता है 14.2 Nm की टॉर्क, वहीं पर आपको N160 जीत जाता है, उसको थोड़ा सा 0.45 Nm ज़्यादा यानी कि 14.65 Nm की टॉर्क ज़्यादा मिल जाते हैं। लगभग अगर पकड़े तो इंजन के हिसाब से आपकी RTR 164B के इंजन मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पर 3 BHP लगभग ज़्यादा पावर मिल जाते हैं। टॉर्क N160 में ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, सिर्फ 0.45 BHP की। इसके अलावा बात करें अगर क्रूजर कैटेगरी के बारे में, तो यहाँ पर जो बाइक आता है आपकी हंटर 350 और रॉनिन, इन दोनों के इंजन में बहुत ज़्यादा अंतर है। हंटर की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 349cc की सिंगल सिलेंडर इंजन, और अगर पावर आउटपुट की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 20.4 BHP की पावर और 27 Nm की टॉर्क। वहीं अगर बात करें रॉनिन की, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 225cc की इंजन, जो कि 350cc के इंजन के हिसाब से बहुत ही छोटा इंजन होता है, लेकिन हाँ पावर आउटपुट में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर पावर की बात करें तो लगभग 17.2 BHP की पावर मिलता है, जो कि थोड़ा सा कम है हंटर से, और टॉर्क की बात करें तो टॉर्क लगभग मिल जाता है आपके 16.1 BHP, जो कि हंटर से बहुत ही ज़्यादा कम है, लगभग 8 या 9 BHP कम है। तो चलिए ये तो हो गया इंजन डिस्प्लेसमेंट की बात, यानी कि इंजन डिफरेंस की बात। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे पॉइंट के बारे में, जो कि है मेंटेनेंस एंड माइलेज। देखिए अगर आप हमारे तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से आते, तब आपको इस पॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेंटेनेंस और माइलेज बाइक लेने की बात का एक अलग सा खर्चा होता है। अगर माइलेज की बात करें तो आपकी जो नेकेड स्पोर्ट्स कैटेगरी के दो बाइक है N160 और RTR 164B, दोनों ही बाइक में आपको लगभग सेम माइलेज मिल जाते हैं 40 KMPL की। वहीं पर अगर बात करें क्रूजर कैटेगरी के बारे में, तो क्रूजर कैटेगरी में आपका रॉनिन में थोड़ा सा माइलेज ज़्यादा मिलता है, आपके हंटर में मिलता है लगभग 35 KMPL की माइलेज, वहीं पर हंटर आपके लगभग 40 से लेकर 42 KMPL की माइलेज निकाल देगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस आपकी नेकेड्स में दो बाइक और क्रूजर में दो बाइक, दोनों का ही लगभग सेम है। ये तो हो गया हमारे मेंटेनेंस और माइलेज की बात। आप अपने बजट के हिसाब से बाइक जब देखिएगा तो ये सब पॉइंट को नोटिस कीजिएगा। मैं आपको एग्जांपल देकर ये सब बाइक को बता रहा हूँ, आप इन सब पॉइंट को नोट कर लीजिएगा और इसी पॉइंट के ऊपर बेस करके आप अपने बजट के हिसाब से बाइक सर्च कीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे पाँचवें पॉइंट की तरफ, जो कि है फीचर। देखिए कई सारे लोगों के लिए फीचर्स पॉइंट करते हैं, कई सारे लोगों के लिए फीचर्स इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, लेकिन हाँ आज की डेट की अगर बात करें 2023 की, तो आज के हिसाब से बाइक में फीचर्स तो ज़्यादातर होना चाहिए हमारे हिसाब से। बाकी आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगर फीचर्स की बात करें तो नेकेड स्पोर्ट्स कैटेगरी में फीचर्स के मामले में बिल्कुल TVS Apache RTR 164B बिल्कुल जीत जाते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाता है राइडिंग मोड, GTD टेक्नोलॉजी। अगर आपको नहीं पता है GTD टेक्नोलॉजी क्या है, तो मैं आपको कभी दूसरे शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। तो लगभग इतने सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ आपका फीचर जो मिसिंग कर जाता है। अगर मिसिंग फीचर्स की बात करें, जो कि आपको N160 में मिलता है, जो कि रियल टाइम माइलेज एंड डिस्टेंस टू MT की फ्यूल इंडिकेटर। ये तो हो गया फीचर्स की बात नेकेड स्पोर्ट्स कैटेगरी की। चलिए अब हम बात करते हैं फीचर्स के बारे में क्रूजर कैटेगरी में। अगर क्रूजर कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर आपको बिल्कुल रॉनिन जीत जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाते हैं फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्री राइडिंग मोड, इसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाते हैं स्लीपर क्लच, इसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाता है फुल्ली LED हेडलाइट। हालांकि आप हंटर में भी अपग्रेड करके LED हेडलाइट लगा सकते हैं।
लेकिन फिर भी यहीं पर भी आपकी जो रॉनिन है वो भी कई सारे फीचर्स को मिस कर जाते हैं जो कि आपके हंटर में मिलते हैं, जो कि है नेविगेशन। इसके अलावा यहाँ पर आपको हंटर में रियर में मिल जाते हैं 270mm के डिस्क ब्रेक, लेकिन वहाँ पर आपको 30mm कम मिल जाता है आपकी रॉनिन में। रॉनिन में आपको मिल जाता है 240mm की डिस्क ब्रेक। तो डिस्क के मामले में यानी कि ब्रेक के मामले में हंटर थोड़ा सा आगे चला जाता है, बाकी फीचर्स के मामले में रॉनिन ही आगे रहता है। इसके अलावा बात करें अगर और भी पॉइंट की जो कि है कंफर्ट, कंफर्ट एंड सीटिंग पोजीशन। तो देखिए कंफर्ट और सीटिंग पोजीशन को अगर आपको भापना है तो सबसे बेस्ट वे है आप शोरूम पर जाइए एंड गेट ए टेस्ट राइड। आप कोई भी किसी भी कैटेगरी में बाइक लीजिए, लेकिन उससे पहले आप जरूर 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 आप अपने नज़दीकी शोरूम पर जाकर उस बाइक का कम से कम टेस्ट राइड लीजिए। आप बाइक को टेस्ट राइड लेके देखिए क्या वो बाइक आपके लिए कंफर्ट है, क्या उस बाइक का वेट आपके लिए सही है, बिल्कुल ये चीज़ आपको नोटिस करना चाहिए। अगर हम वेट की बात करें या कंफर्ट की बात करें तो हम मेरे हिसाब से जो नेकेड स्पोर्ट्स कैटेगरी है वहाँ पर आपको TVS Apache RTR 164 भी दिख जाता है, क्योंकि इस बाइक का जो वेट है वो है 143 kg और जो कि आपकी N160 से लगभग 9 किलो कम है, क्योंकि N160 का वेट है लगभग 152 किलो के आसपास। वहीं पर अगर बात करें क्रूजर कैटेगरी में तो यहाँ पर आपको TVS रॉनिन दिख जाता है, क्योंकि TVS रॉनिन का वेट है लगभग 160 किलो और RE हंटर के आपकी वेट है वो लगभग उससे 21 किलो ज़्यादा यानी कि 181 kg है। तो इस मामले में आपका TVS रॉनिन बिल्कुल ही जीत जाता है हंटर को पीछे छोड़कर। तो लगभग ये था 5 पॉइंट, फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ जिसके ऊपर बेस करके आपको अपने बाइक लेना चाहिए। मैं तो आज आपको एग्जांपल देकर बताया, लेकिन हाँ आप अपने बजट सेट कीजिएगा फिर ऐसा चीज़ को नोटिस कीजिएगा। चलिए मैं आपको सारे पॉइंट एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले आपको देखना है अपने बजट, मतलब आप सबसे पहले अपने पर्पज सेट कर लिया। सबसे पहले जो पॉइंट आपको नोटिस करने हैं वो है बजट। उसके अलावा आप उसके बाद आपको देख रहे हैं कि आपके बजट के अंदर जितने भी बाइक आ रहे हैं उन सब बाइक में सीटिंग पोजीशन के हिसाब से बाइक की टाइप कौन सी है जो कि मैंने आपको बताया। आपके लिए जो कंफर्ट बाइक है वही आप सर्च कीजिएगा। अगर आपके लिए नेकेड स्पोर्ट सही है आप उसको चूज़ कीजिएगा। अगर क्रूजर लेना है तो क्रूजर को, अगर ऑफ रोड लेना है तो ऑफ रोड को, अगर कम्यूटर लेना है तो कम्यूटर को, जिसी भी बाइक को आपको लेना है उसको चूज़ कीजिएगा। उसके बाद उस कैटेगरी में जितना भी बाइक आएगा आपके बजट के हिसाब से सारी बाइक की इंजन स्पेसिफिकेशन को और पावर को आप नोटिस करना है और कंपेयर करना है। बाइक लेने से पहले जरूर अपने कंपेटिटर बाइक के हिसाब से बाइक को कंपेयर कीजिएगा। तीसरा जो पॉइंट आपको चेक करना है वो है बाइक की मेंटेनेंस और माइलेज। आपको जरूर चेक करना है कि बाइक की आफ्टर सेलिंग मेंटेनेंस कैसा है कंपनी की, क्या उस बाइक का रिव्यू पहले सही है। और आप जाकर यूट्यूब पर हर बाइक के आपको मिल जाएगा रिव्यू वीडियो, आप यूट्यूब पर जाकर जरूर चेक कीजिएगा उन सब बाइक का मेंटेनेंस कॉस्ट कैसा आता है और माइलेज भी बिल्कुल जरूर चेक कीजिएगा एक जेन्युइन साइट पर जाकर। इसके अलावा आप अगर आसपास में कोई पड़ोस में आपके बाइक है उस बाइक का ऑनर है तो आप वहां पर जाकर उससे जाकर भी आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अब अगर बात करें चौथे पॉइंट के बारे में तो आपको फीचर्स के बारे में जानना है कि बाइक में अच्छा खासा फीचर्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। आपको अपनी बाइक की सेफ्टी को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलना है। इसके अलावा अगर बात करें पांचवें पॉइंट के बारे में तो आपको हमेशा बाइक लेने से पहले उस बाइक के शोरूम पर जाकर टेस्ट ड्राइव बिल्कुल लेना है। अगर आप चाहें तो शोरूम पर ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके आसपास में उस बाइक का कोई ऑनर है तो आप उसे कहकर भी टेस्ट ड्राइव बिल्कुल ले सकते हैं उस बाइक का। इस वजह से आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि आपके लिए बेस्ट बाइक कौन सा है। तो लगभग ये था 5 पॉइंट जो कि आपको मद्देनजर रखते हुए अपने बाइक को डिसाइड करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो देखने में पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो देखकर सारे चीज़ समझ में आ गया होगा। अब अपने लिए, अपने परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, किसी के लिए भी अपने बाइक सर्च कर सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो देखना पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर किसी नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर किसी नए टॉपिक के साथ।